ये वो पटरी है जो जोधपुर जाती थी, अभी जो है बंद। हम शोर बाजार में आ गए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, स्वागत है एक और ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं फिर रहा हूँ छोर कोट में। छोर कोट ये है जी सिंध में, छोर कोट ये छोटा सा सिटी है, बहुत पुराना सिटी है और अभी भी जो है यहाँ पे चीज़ें जो है ना पुरानी पुरानी हैं, देखेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो ट्रेन की पटरी दिखाने वाला हूँ जो यहाँ से जोधपुर जाती थी इंडिया की ओर, जो कि पार्टीशन्स के वक्त, पार्टीशन से बाद बंद कर मतलब के कट ऑफ करके बंद कर दी गई, बॉर्डर आ गया, अभी जो है इंडिया वो पटरी ट्रेन नहीं जाती। लेकिन वो दिखाने वाला हूँ जो जोधपुर यहाँ से जाती थी और यहाँ के लोग जोधपुर जाते थे और जोधपुर के लोग यहाँ पाकिस्तान में आते थे, शोर कोट में आते थे या इधर पूरे पाकिस्तान में जाते थे, तो वो पटरी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले जो है ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि हमें आप लोगों की सपोर्ट मिल सके, हम भी कुछ आगे बढ़ सकें। तो चलते हैं, आपको वो ट्रेन दिखाते हैं और उसके बाद वापसी आते हैं शोर कोट की ओर। तो ये देखो दोस्तों, ये वो पटरी है जिससे जोधपुर जाती थी ट्रेन, यहाँ से ट्रेन जाती थी जोधपुर की ओर। ऐसे भैया यही ट्रेन है, पटरी है ना, तो अभी मैं भाई को साथ लिया है, मैंने कहा रास्ता थोड़ा सा गंभीर है, वो मुझे बताएगा। तो ये कहाँ जाती थी पहले? जोधपुर। जोधपुर से जाती थी जी हाँ। कब बंद हुई है ये? ये एक साल हो गया, एक दो साल हो गया। नहीं, जोधपुर पहले बाद में भी जाती थी क्या? के पार्टीशन के वक्त बंद हुई है जी। ये जब मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना तब बंद की गई है या पहले बाद में बंद की है? पहले ही बंद हुई। पहले बंद हुई ना, आजकल तो नहीं हुई, आजकल नहीं। हाँ तो दोस्तों चल रहे हैं, स्टेशन कहाँ पे है? वो स्टेशन है। तो दोस्तों मैं चल के वो स्टेशन दिखाता हूँ जहाँ से जो ट्रेन है जोधपुर जाती थी, टिकट भी वहाँ से मिलती थी। वो पुराना स्टेशन है, बहुत पुराना स्टेशन है, चल के अभी हमको आपको दिखाने वाले हैं, वेट करें तब। ऐसे जस्ट हम पहुँचने वाले हैं, बहुत बढ़िया विलेज है ये। विलेज का क्या नाम है जी? आपका क्या नाम है? गुलाम मुस्तफा। वाह गुलाम मुस्तफा, बहुत बढ़िया यार। हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, स्टेशन ऐसे कुछ ही एक दो मिनट का मेरे से फासला है। सामने ही छोर कोट, छोर ये जो सिटी है, मेरी लैंग्वेज ज़बान पे नहीं आ रहा, छोर ये स्टेशन है छोर का। और वो पटरी जो है ये देखें, ये वो पटरी है जो जोधपुर जाती थी, अभी जो है बंद है, पत्थरों से भर चुकी है। ये वाली चल रही है, ये कहीं और जाती है। ये वाली कहाँ जाती है भैया? खोखड़ा पार ये जाती है, वो जोधपुर वाली बंद है, ख़त्म हो चुकी है। अभी जो ये स्टेशन है, ये सामने लिखा हुआ है छोर, उर्दू में ऊपर लिखा हुआ है छोर और नीचे ये लिखा हुआ है छोर। तो चलते हैं, आपको स्टेशन दिखाते हैं कि ये कितना पुराना स्टेशन है उस दौर का, अभी भी मौजूद है। ये देखें पुराने पेड़ सारा कुछ पुराना ही है इधर। अभी टिकटें वगैरह मिलती हैं कि नहीं, बंद हो गया? जी हाँ मिलती है। अच्छा दोस्तों, कमेंट में बताइएगा आपको देख के कैसा लग रहा है और क्या कुछ फीलिंग है आपकी, क्या याद आ रहा है आपको ये देख के। बहुत पुराना विलेज, ये बनी गोदाम। अभी स्टेशन दिखाने वाले आपको हम, ये है जी स्टेशन शोर, एक शोर कोट भी है ना, ये शोर है। दोस्तों ये रहा जी टी स्टॉल, इधर से चाय मिलती है स्टेशन पे, ये देखें पुराने तर्ज तामीर, इधर से चाय वगैरह मिलती है, टी स्टॉल है। और आगे जो है ये जी स्टेशन का जो स्टेशन होता है ये है, टिकट वगैरह भी इधर से मिलती है। तेरा स्टेशन दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, कुछ बहुत ही कुछ ज़्यादा ही पुराना लग रहा है ये, बस इस तरह ही है ये स्टेशन। टिकट वगैरह कहाँ से मिलती है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। वेरी गुड बाबर खान, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ से टिकट मिलती है दोस्तों, इधर से टिकट मिलती है और पहले भी मिलती थी, अभी ये बंद है ना।
अभी सिटी इधर इधर जाना है। दोस्तों अभी हम स्टेशन से वापस आ चुके हैं और जा रहे हैं दोबारा वो शोर सिटी की ओर। यहाँ पे जो है शोर भी है, पाँ 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 की आवाज़ें भी आएंगी, बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पे। तो चलते हैं, इस तरह का शहर है। तो दोस्तों अभी जो है हम शोर बाज़ार में आ गए हैं। ये है शोर छोर छोर बाज़ार। इधर से दोबारा आपको दिखा देते हैं, शोर बाज़ार का मार्केट है। ये देखें, ये है शोर बाज़ार। अभी मैंने आपको वो स्टेशन दिखाया, स्टेशन के बाद अभी दिखा रहे हैं हम शोर बाज़ार जो है शोर। दबी दबी सांसों में मौला बख्श। दोस्तों अभी जो है शोरकोट मार्केट में ही हैं हम, और इस तरह कुछ स्वीट है उसका भी तारुफ करवाते हैं आपसे। भाई राम राम, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खेता राम है। भाई का नाम है जी खेता राम। कैसे हैं भाई? पंजाब से आए हैं हम। मक्खन राम जयपाल नाम है। और कैसे हैं, बिजनेस वगैरह सही चल रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया है, ठीक हो गया सर, धन्यवाद। ये चाय का स्टॉल भी आपका है? उस भाई का क्या नाम है? बस थैंक यू। चाय ना टाइम नहीं है इतना चाय पीने का, पर लाजमी पीते तो बहुत। मिथरानी, आप मिथरानी? अच्छा, मथरानी स्वीट और खेता राम, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थे हमारे भाई खेता राम, और कमेंट में लाजमी बताइएगा भाई खेता राम की स्वीट कैसी लगी आपको, और वीडियो को शेयर और लाइक लाजमी कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय श्री राम। चल भाई चलें साजन भाई, अभी हम कैसे कुछ कहना नहीं, कुछ कह दें आप? नहीं अभी चलें यार, टाइम ठीक हो गया। दोस्तों अभी बाइक है, ये हमारी बाइक को बैठने लगे हैं, टाइम थोड़ा है, चलते हैं। चलो जी, चलो चलो, बैठने दो मुझे। धन्यवाद जी, धन्यवाद।